तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूला में डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर्मूला, डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला एंड इंफॉर्मेशन फॉर्मूला। अब डेटाबेस फॉर्मूला क्या है, क्यों यूज होता है, चलिए बताता हूं आपको। जैसे आपको यहाँ पूजा का टोटल निकालना है कि पूजा का जनवरी में टोटल कितना है। एक बार डेटा में चेंज कर देता हूँ, सिटी भी डाल देता हूँ। और यहाँ क्वांटिटी हो गई, यहाँ एमआरपी हो गया और यहाँ पे टोटल हो गया। डेटा को थोड़ा सा चेंज कर दिया। ओके, तो अब मान लीजिए मुझे पूजा का टोटल निकालना है, तो इसके लिए आप जनरली क्या करेंगे, सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, सम इफ, और आप सम इफ में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका क्राइटेरिया रेंज, मुझे पूजा चाहिए और मुझे यहाँ पे पूजा चाहिए और इसका टोटल निकाल, सिंपल है। लेकिन अगर मुझे टोटलिंग करना है जिसमें बहुत सारे कंडीशन, जैसे कि मुझे पूजा का टोटल चाहिए, ठीक है, मुझे पूजा का टोटल चाहिए जिसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 है, मुझे यहाँ पे अमर अमर का टोटल चाहिए, अमर का टोटल चाहिए इसका सिटी मान लीजिए पुणे, मुझे यहाँ पे उदय का टोटल चाहिए जिसकी एमआरपी लेस देन 60 है। ऐसे और भी हो सकते हैं, समझ गए। तो अब मुझे इसमें हर किसी में इंडिविजुअल यहाँ पे फिर इसका टोटल जो होना चाहिए कि टोटल कितना है मुझे पता करना चाहिए, मतलब कि पूजा अमर और उदय का एक टीम है और टीम में पूजा को बोला गया है ग्रेटर देन 50 वाले को सेल करने के लिए, अमर को बोला गया है पुणे में सेल करने के लिए, उदय को बोला गया है कि एमआरपी इसके 60 से नीचे सेल करना है, तो मुझे इनका टोटल चाहिए। तो अगर इनका टोटल आपको निकालना है तो आपको इंडिविजुअली यहाँ पे सम इफ्स लगाना पड़ेगा और लगा के ड्रैग भी नहीं कर सकते क्योंकि हर का कंडीशन अलग अलग है, तो आपको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा मैनुअली। यही पे हमारा डी सम काम आता है, डी सम डेटाबेस सम। अब डेटाबेस लिस्ट मतलब कि जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले को इकट्ठा लगाया जा सकता है, मतलब सब सबको लगाने का तरीका एक ही है सर, इनपुट भी एक ही, लगाने का तरीका भी एक ही है, बस आउटपुट अलग अलग होता है। तो हमने डेटा को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे फील्ड देना है कि आपको सम किस फील्ड का लेना है, टोटल। क्राइटेरिया आप क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर, लेकिन ध्यान रखिएगा जो हेडिंग इसका है वही हेडिंग इसका भी होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए टोटल आ गया, बस इसमें और कुछ करना ही नहीं है, है? करना ही नहीं है। इतना तो सैस में, इतना तो सीक्वल में भी नहीं होगा, सीक्वल में भी 3 क्वेरी लगानी पड़ती है। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है ना, हाँ लेकिन इसके अकॉर्डिंग चलेगा, इसके अकॉर्डिंग चलेगा, तो इसका यूज जो है हम एक समरी सीट पे ही कर सकते हैं, एक डेटा पे नहीं कर सकते, इसको पकड़ कर हमने नीचे ड्रैग कर दिया। नहीं नहीं, तो समरी वहाँ पे एक बॉक्स बना दो समरी सीट में जो उनको कस्टमाइज चीज चाहिए वहां पे डालते जाएंगे और यहाँ पे फॉर्मूला अपने आप रिजल्ट देता जाएगा डायनेमिकली। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो डी सम उसी तरह से यहाँ पे आपके पास होता है डी काउंट, लगाने का तरीका सेम है, आप पहले अपने डेटाबेस को सिलेक्ट कर लें, फिर आप एक डेटा अपना फील्ड सिलेक्ट करें कि काउंट किसका लेना है, फिर आप क्राइटेरिया सिलेक्ट कर, ठीक है। ये तो बिल्कुल ऐसे डी काउंट ए, डी काउंट ए आप पूरा एरिया सिलेक्ट कर ले, ये सिटी काउंट करना है आपको, काउंट है, काउंट ऑल होता है, टेक्स्ट और नंबर दोनों काउंट करता है, काउंट सिर्फ नंबर काउंट करता है, क्राइटेरिया सिलेक्ट कर। तो इसका लगाने का जितने भी इसके फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले को लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है,
अगर हम लिस्ट यहाँ पे आते हैं लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूले में, यहाँ पे स्टैटिकल की जगह पे मैं डेटाबेस फॉर्मूला लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए क्या डी एवरेज, एवरेज निकालता है, डी काउंट, काउंट निकालता है, डी काउंट ए काउंट और दो ए क्या बोलते हैं टेक्स्ट और नंबर दोनों अकाउंट करता है, डी मैक्स, डी मीन, डी प्रोडक्ट, डी सम, डी वेरियंस, ठीक है। इसमें एक डी गेट फॉर्मूला है, तो आपको याद मान लीजिए मुझे पता करना है कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना खुद का नाम डाल देता हूँ राजू, राजू तो है, पंकज और हमने यहाँ पे डाल दिया एमरजेड मुजफ्फरपुर और 54 क्वांटिटी है। तो अब मान लीजिए मुझे टोटल चाहिए, ठीक है, टोटल हमें निकालना है, एमआरपी हटा देते हैं, टोटल हमारा, टोटल हमें निकालना है। तो इसमें बोला गया कि पंकज नाम है, सिटी में एमयूजेड है और क्वांटिटी मान लीजिए 54, इसका टोटल क्या होगा, और मुझे इसको सम नहीं करना है, लुकअप करना है, जैसे वी लुकअप होता है उस तरह से लुकअप करना है। तो इसके चीज के लिए वी लुकअप में हमने क्या किया था, कॉलम इंसर्ट किया था और हमने कॉनकेटेनेट वगैरह किया था। हाँ जी, यहां कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं, यहां हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे डी गेट का, डी गेट हमने डेटाबेस को सिलेक्ट किया, फील्ड को सिलेक्ट किया जिसको चाहिए आपको, और फिर आपने क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लिया। एंटर मारिए, रिजल्ट आ गया। बट बोला जाता है ना हर किसी के बेनिफिट होता है तो नुकसान भी होता है, क्या नुकसान होगा इसमें, क्या होगा सर, जिसका बेनिफिट होता है उसका नुकसान भी होता है ना सर। पता चला नुकसान, डुप्लीकेट में नहीं कर रहा। हाँ, डी लुकअप क्या करता है कि अगर डुप्लीकेट है तो फैला दे देता है ना सर। बट डी गेट फॉर्मूला अगर डुप्लीकेट होगा तो वहां पर नम दे देगा। तो डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? हाँ जी, कोई डाउट इसमें? बाकी उसको अप्लाई करके आप देख लीजिएगा, सारे फंक्शन मैंने अप्लाई करके नहीं दिखाया पर सबके अप्लाई करने का तरीका सेम ही है, तो सबको अलग अलग लगा के बताने की जरूरत क्या है। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, समझ ही गया। अब इसमें अगला टॉपिक, अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है इंफॉर्मेशन फॉर्मूला। इंफॉर्मेशन फॉर्मूला यहां अगर हम बात करें अपने डेटाबेस में, यहाँ पे इंफॉर्मेशन फॉर्मूला, तो इंफॉर्मेशन फॉर्मूला सिंगल यूज नहीं होता है सर। सिंगल यूज में आप बोलेंगे सिर्फ बच्चे वाली बात है क्या करना है, लेकिन किसी फॉर्मूले के साथ मिलता है तो एक बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है। जैसे कि सेल फॉर्मूला की हम बात करें, सेल फॉर्मूला क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है अबाउट अ सेल, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और रेफरेंस में आपको क्या चाहिए, आपको सेल फॉर्मूला लिया और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एड्रेस चाहिए, तो सेल का एड्रेस दे देगा, कॉलम नंबर दे देगा, कलर है या नहीं दे देगा, फाइल नेम दे देगा, फॉर्म दे देगा, परसेंटेज दे देगा, प्रीफिक्स में क्या लगा है, प्रोटेक्ट क्या है या नहीं है, ये बाकी चीजें दे देता है। देखिए इसमें एक फाइल नेम भी है, और कभी कभी जैसे कि मान लीजिए कि हमें एक रिपोर्ट बनानी है, मुझे अपने सीट नेम चाहिए, हमें सीट नेम चाहिए, सीट नेम से क्या फायदा, सीट नेम चाहिए मतलब, तो सेल फॉर्मूला हम लगाते हैं, इसके भी एग्जांपल बताता हूं आपको मैं, फाइल नेम, तो मैं इसमें सीट नेम चाहिए तो हम क्या करेंगे, फाइंड का फॉर्मूला लगाते हैं, फाइंड और इसमें हम क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट को इसमें सर्च करें, वन देते पट्टी बना गया। फिर मैं यहाँ पे राइट का फॉर्मूला लगाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं इसकी कंप्लीट लेंथ में से 38 को माइनस करता हूं, आ गया सीट वन।
अब सीट का नाम जो भी होगा ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए सीट का नाम यहाँ पे अगर दे दिया जैन, चेंज हो गया। अब इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज देखिए, इसके लिए आपको एक अलग फाइल में मुझे समझाना होगा। जैसे मेरे पास यहाँ एक डेटा है और मुझे यहाँ पे इंडिविजुअली रिपोर्ट तैयार करने, मैं यहाँ इसको डेटा में रिमूव डुप्लीकेट कर देता हूँ। यहाँ पे टोटल यहाँ पे क्वांटिटी एलबीजी एमआरपी एंड टोटल, ठीक है। यहाँ पे हम जनरली क्या लगाएंगे, समिफ का फॉर्मा लगाते हैं। समिफ में हम जाते हैं यहाँ पे समिफ में समिफ लगाते हैं, समिफ हम आते हैं सम रेंज में। जैसे हम जिसका क्वांटिटी ये करना है, क्राइटेरिया रेंज यहाँ पे हमने दे दिया कि ये चाहिए इसमें से ए टू पूजा, और क्राइटेरिया रो टू रेंज सिटी, और इसमें से मान लीजिए मुझे पुणे का टोटल है तो पुणे का यहाँ डाल दिया, और मैं पुणे को ऑटोमेट कर दूंगा, ठीक है, लॉक नहीं है। हाँ, और यहाँ पे सबमिट के जगह पे एवरेज हिप्स लगाएगा। एवरेज किसका, सी नहीं डी का, इसमें डी देते हैं, सी के जगह पे डी बाई डी। और फिर यहाँ पे सबमिट मुझे अमाउंट डी ई बाई ई का टोटल चाहिए, और यहाँ हम इफ एरर लगा देंगे ताकि ब्लैंक ए एरर के जगह पे ब्लैंक है, जीरो एरर, ठीक है सर। ए तो हमारा पुणे का टोटल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सीट का नाम पुणे दे दिया, अब मुझे सेम रिपोर्ट चाहिए दिल्ली के लिए, या फिर मैंने जयपुर के लिए, पटना के लिए, तो मुझे इस सीट को कॉपी करके दिल्ली, हाँ पटना, तो यहाँ पे तो चेंज नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे जो सीट नेम है वो अलग, वो आप वहां से कर दोगे, सेल फॉर्मूला लगा के। जी हाँ सेल फॉर्मूला यहाँ हम लगाएंगे, यहाँ पे राइट का फॉर्मूला देंगे, राइट हम यहाँ पे सेल का फॉर्मूला देंगे, सेल में हम एड्रेस नेम, फिर हम यहाँ पे हम लगाते हैं लेन, लेन में वापस सेल का फॉर्मूला, सेल में फाइल नेम माइनस फाइंड का फॉर्मूला, फाइंड में सेल का फॉर्मूला, सेल में फाइल नेम, और यहाँ पे वन, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में छूट गया था क्लोजिंग ब्रैकेट, खाली क्लोजिंग ब्रैकेट लगता है उसमें, खाली दोनों ब्रैकेट नहीं लगेंगे फाइंड के बाद में, स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं, क्लोज हमने आपको बताया था ना सेल फॉर्मूला हमारा, अब इसमें ये जीरो आया, ये वैल्यू एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है बताइए सर, वो कुछ उसमें प्रॉब्लम है, कोई मिसिंग नहीं है, हमने फाइल को सेव नहीं किया है। अच्छा, फाइल सेव करेंगे तभी तो फाइल नेम दिखाएगा, ठीक है। एक मिनट में फॉर्मूला एवेलेट करता हूं तो पता चल जाएगा। तो हाँ, हमने लेन जो लगाया था यहाँ पे, मैं बाइक क्लोज नहीं किया,
आ गया सर, बट प्रॉब्लम ये है कि ये मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखेंगे काफी बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक है आपका जो आगे क्लास की है, फॉर्मूला सिंपलाइजेशन। अब मान लीजिए कि मैंने इस फॉर्मूले को उठाया सर, और मैंने यहाँ पे गया और यहाँ हमने ये जो अपना पुणे है, पुणे की जगह पे डाल दिया, तो काफी लंबा हो गया सर। आगे चले के हो सकता और भी बड़ा फॉर्मूला हो क्या? यहाँ पे हम फॉर्मूला को सिंपलाइज कर सकते हैं डिफाइन नेम की मदद से। अब इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को हम सिटी, इसमें क्या बोलते हैं, पूरा फॉर्मूला हम इसमें दे देते हैं और नाम डाल दिया सिटी, नाम डाल दिया सिटी। अब मैं यहाँ पे इसके जगह पे जो फॉर्मूला हमारा है, इसके जगह पे पुणे के जगह पे मैं यहाँ पे सिटी दे रहा हूँ। नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, ठीक है? तो अगर हम सेल को इंडिविजुअली देखे तो सीट नेम पता होने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब इसमें हमने फॉर्मूले के साथ कंबाइन किया तो काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ ना सर। क्लियर है सर? एक बार वो वाला फॉर्मूला समझना था, एक बार आप एफ पटना के ऊपर रखेंगे, पटना में इसमें जो आपने लास्ट वाला फाइंड है उसमें खाली क्लोजिंग ब्रैकेट क्यों रखा? क्योंकि क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद हमें अच्छा वर्ड्स लेने हैं, उसके बाद वो आता था फाइल नेम, क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद आता था ना। जी हाँ, ये देखिए, हाँ क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद, अच्छा उसमें हम राइट ले रहे हैं, राइट। फिर हमने वो राइट, इसलिए अब यहाँ से राइट काम करेगा अपना, यहाँ पे फाइल नेम और उसके बाद पहली बार। ओके देखिए, मैं यहाँ पे, मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, यहाँ पे बताया है। नहीं इसमें नहीं है, इसमें यहाँ देखिए मैंने क्या किया, बस सेल हुआ ना तो पहले फाइंड का फॉर्मा लिया, फाइंड के फॉर्मा ने क्या किया, काउंट भी बता दिया ना कि कहाँ पे फाइंड है, सीट नेम कहाँ पे है, फिर यहाँ पे लेफ्ट राइट लगाइए, अलग कर लीजिए। 38 कैरेक्टर के बाद बोला मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे राइट का फॉर्मा लगाया और बोला कि इसमें से इसकी कंप्लीट लेन उसमें से माइनस 38 कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है कोई डाउट इसमें सर? एक मिनट, उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, बताइए। एक मिनट सर, वो जो आपने वो किया कंप्लीट लेंथ में से 38 माइनस किया तो लेंथ तो 38 ही आएगी ना। देखिए इसका लेंथ कितना है, 41 40 है लेंथ, मतलब सी से लेके ए तक। हाँ ठीक है, लेकिन अगर मैं फाइंड का फॉर्मूला में बोला क्लोजिंग ब्रैकेट, तो क्लोजिंग ब्रैकेट तो पटना से पहले तक का ही लेंथ देगा ना। ओके ठीक है सर, समझ गया, आप समझ गया, उसमें हमने बस फाइंड में ब्रैकेट से पहले। ओके तो इसमें अब जो है आगे बढ़ते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे बाकी इंफॉर्मेशन एरर टाइप, जो एरर आया होता है कौन सा एरर है, इन्फो बताएगा आपका फाइल के बारे में, फाइल का वर्जन कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वगैरह वगैरह। बाकी ईच के फॉर्मूले, ईच ब्लैंक, अगर ब्लैंक होगा तो ट्रू, अदर बी फॉल्स, एरर है तो ट्रू एंड फॉल्स, इवन नंबर है ट्रू फॉल्स, लॉजिकल फॉल्स, ये आपका बाकी सब ट्रू फॉल्स में रिजल्ट देता है। एन है नंबर से बेटर करेगा, एन ए का एरर शो कर देगा। सीट जो है कौन सा सीट है दिखाएगा, मतलब सीक्वेंस में तीसरा नंबर सीट है ना, सीट दिखाएगा। सीट्स की बात करें हम यहाँ पे, तो बताएगा कि टोटल फाइल में नंबर ऑफ सीट्स है कितने, वो बता देगा। ठीक है सर, तो इस फॉर्मूले को एक बार आप अपने एंड से देख लीजिए, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, अगर कोई दिक्कत होगा तो हम मंडे को डिस्कस कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला का कैटेगरी, फॉर्मूला कैटेगरी वाइज जो फॉर्मूला है वो हमारा खत्म होता है। ओके ठीक है, उसके बाद हम बात अगली क्लास में हम बात करेंगे, मतलब कि अगली क्लास अगली 8-10 क्लास जो हम बात करेंगे वो फॉर्मूला ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जो जो किसी कैटेगरी से नहीं होगा बस ट्रिक्स होगा। ठीक है, और ये फाइल कल की तरह मैं आपको मेल कर देता हूँ। थैंक यू। शुभम मंगलवार। आपके वो जो दो बंदे और आते थे वो काम हो गया उनका, क्यों दूसरे बैच में चले गए? सब एसटी एक वही डेलाइट सेविंग स्टार्ट हो गया, इसलिए टाइम बहुत अर्ली मॉर्निंग का हो गया।